दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि किस धर्म के लोग लोटस टेंपल जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पूजा करते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? और भारत में बनने वाली प्रथम फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र नहीं थी, याद रखिएगा। यदि नहीं जानते तो बने रहिए हमारे चैनल लीजेंड जीके पर। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपने प्रश्नों के महाजाल को। हमारा पहला प्रश्न है, फॉलोवर्स ऑफ विच रिलीजन वर्शिप एट लोटस टेंपल? लोटस टेंपल पर किस धर्म के लोग पूजा करते हैं? और आपके ऑप्शन है जैनिज्म, बुद्धिज्म, बहाइज्म, ताओइज्म। इसका सही उत्तर होगा बहाइज्म। लोटस टेंपल भारत के दिल्ली में स्थित है। यह बहाई धर्म के पूजा में समर्पित है। यह दिसंबर सन 1986 में बना था। यह बहाई धर्म का मंदिर होते हुए भी सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। इस मंदिर के वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट फेरिवोर्ज साहवा थे और इसके स्ट्रक्चरल इंजीनियर फ्लिंट नील थे। बहाई धर्म सभी धर्मों का महत्ता समझाने वाला धर्म है। यह बहाउल्ला के द्वारा सन 1863 में पर्सिया यानी ईरान में विकसित हुआ था। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा बहाइज्म। लोटस टेंपल में बहाइज्म धर्म के लोग पूजा करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न आपके सामने यह रहा, विच इज़ द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? और आपके ऑप्शन है एंकोर वॉट कैम्बोडिया, अक्षरधाम टेम्पल न्यू दिल्ली, राजराजेश्वर टेम्पल थंजावुर, तिरुपति बालाजी टेम्पल आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा एंकोर वॉट टेम्पल कम्बोडिया। एंकोर वॉट टेम्पल कम्बोडिया के एक छोटे से जगह एंकोर वॉट में स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होते हुए भी सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी है और यह 162.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है, यानी यह 402 एकड़ के लगभग भूमि में फैला है। इसे राजा सूर्यवर्मन दो द्वारा 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा एंकोर वॉट टेम्पल कम्बोडिया। हमारा तीसरा प्रश्न आपके सामने यह रहा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट? इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? और आपके ऑप्शन है पवलंकर बालू, के एस रंजीत सिंह, सी के नायडू, लाला अमरनाथ। इसका सही उत्तर होगा के एस रंजीत सिंह। महाराजा के एस रंजीत सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय थे। वह इंग्लैंड के लिए सन 1896 में टेस्ट मैच खेले थे। वह नवनगर प्रिंसली एस्टेट के राजकुमार भी थे और उनके नाम पर ही आज का रणजी ट्रॉफी, जो भारत का सबसे बड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट कप है, रखा गया है। इस प्रकार का इसका सही उत्तर होगा के एस रंजीत सिंह। हमारा चौथा प्रश्न आपके सामने यह रहा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर? ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? और आपके ऑप्शन है कृष्ण पंडित भांजी, बेन किंग्सले, ए आर रहमान, गुलजार, भानु अथैया। इसका सही उत्तर होगा भानु अथैया। भानु अथैया पहली भारतीय हैं जिन्हें स्कोर अवार्ड मिला था। यह उन्हें 1983 में 55वें एकेडमी अवार्ड सेरेमनी में मिला था। उन्हें यह कोटक थिएटर हॉलीवुड में मिला था। यह फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए यह अवार्ड मिला था। फिल्म गांधी को फिल्म निर्माता रिचर्ड एटनबरोव ने डायरेक्ट किया था और इसके अभिनेता बेन किंग्सले थे, वो भी भारतीय मूल के थे, जिनका रियल नाम कृष्ण पंडित भांजी था। लेकिन पहला अवार्ड जिसने भारतीय जीता ऑस्कर, वह थी भानु अथैया। हमारा पांचवा और आखिरी प्रश्न आपके सामने यह रहा, विच वॉज फर्स्ट फिल्म मेड इन इंडिया? भारत में बनने वाली प्रथम फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र नहीं थी, याद रखिएगा। और आपके ऑप्शन है मैन एंड द मंकी, राजा हरिश्चंद्र, कर्मा और द रेस्टलर्स। इसका सही उत्तर होगा मैन एंड द मंकी। मैन एंड द मंकी भारत में बनने वाली प्रथम फिल्म थी। यह फिल्म निर्माता हरिश्चंद्र सखाराम माखडेकर द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने इस फिल्म को सन 1899 ईस्वी में बनाया था, परंतु किन्हीं कारणवश यह फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई थी। तो भारत में बनने वाली प्रथम फिल्म थी मैन एंड द मंकी और प्रथम रिलीज होने वाली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जिसे धोंडो केशव फाल्के यानी दादा फाल्के ने 1913 में बनाया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा मैन एंड द मंकी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ऐसे ही फैक्ट और ज्ञान जानने के लिए। सबका ज्ञान बढ़े, इसमें हम सबकी भलाई है। थैंक यू।